फायर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग समझते हो? क्या समझते हो इंजीनियरिंग के बारे में? इसकी हिंदी पता है किसी को आजकल? आपको हिंदी नहीं पता होगी, और एक महीने का टाइम दूंगा तभी गूगल से देख के बताओगे, वैसे नहीं मालूम होगा आपको। फायर इंजीनियरिंग, देखिए मैं आपको फायर फील्ड के बारे में आज बताता हूँ। फायर, फायर ब्रिगेड सभी जानते हैं, फायर ब्रिगेड जानते हो, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी आती है आग बुझाने के लिए। तो फायर ब्रिगेड हम जानते हैं कि जब कभी आग लगती है तो कितना नंबर होता है फायर ब्रिगेड का कॉल करने के लिए, जानता है कोई क्या होता है? कितना? 101। ये फायर का कॉल होता है, इससे कॉल करके हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, वो लोग आगे आग बुझाते हैं, है? तो फायर डिपार्टमेंट में, अब ये डिप्लोमा क्या होता है? जब पहले फायर ब्रिगेड में सब बिना डिप्लोमे के ही नौकरी होता था भाई, डिप्लोमा डिग्री नहीं होते थे पहले, वहां तो सिर्फ आपका रिटन टेस्ट भी नहीं था, फिजिकल लेते थे, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका लेते थे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता था। अभी धीरे धीरे जमाना, टाइम बदल रहा है, तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि अपने पास रख के पूरा एक साल तक इनको सिखाने की बजाय मैं सीखे सिखाए ले लेता हूँ, जिन लोगों को पहले से आता है मैं ट्रेंड बंदे ले लेता हूँ, भाई उन्होंने उतना ही खर्चा, उतना ही टाइम लगना है, तो वो क्या बोलते हैं, जिसने पहले डिप्लोमा कर रखा है ना वो आ जाता है, फॉर्म भरो साथ में डिप्लोमा लगा हुआ, तो जिसने डिप्लोमा किया है मतलब उसने पढ़ाई की है। टिकटिंग करने वाले बहुत है दुनिया में, जो खरीदी के लिए कहते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के रूल की अगर बात करें तो वो डिप्लोमा क्यों मांगते हैं कि आधा तो पहले से ट्रेंड होगा, तो हमें क्या है अपने यहाँ से उसको 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग देनी है, रेडी हो जाएगा सीधा तुरंत उसको ट्रेनिंग दे देंगे, समझ गए भैया? इसीलिए डिप्लोमा मांगने लगे। तो अभी फायर के डिप्लोमे की हम बात करें, फायर के डिप्लोमे की आवश्यकता क्या होती है? सरकारी तो आप समझ ही गए हैं, सरकारी में कहाँ कहाँ पे आवश्यकता होती है, देखिए सबसे पहले तो आपका नगर निगम की जो होती है, फायर ब्रिगेड हमारी जो है नगर निगम के अंडर में होती है, नगर निगम जो फायर डिपार्टमेंट होता है इसमें तो हर स्टेट में है, हर स्टेट में इसमें तो आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं फिर डिफेंस में, डिफेंस में आर्मी में फायर की भर्ती होती है और उन्हें फायर का नॉलेज मांगते हैं, वो कहते हैं मेरे को पहले से फायर का नॉलेज होना चाहिए वरना लूंगा नहीं देखो, ठीक है ना। इसके बाद पैरामिलिट्री में आपका जो है CRPF हो गया, CISF हुआ, और मिलिट्री के आर्मी के अलावा क्या बचता है? एयरफोर्स, उसके अलावा नेवी, इन सभी में फायरमैन, इन सभी में फायर की वैकेंसी होती है जो पूरा साल टाइम टू टाइम चलती रहती है, आती रहती है। इसके बाद और गवर्नमेंट के कुछ इंडस्ट्रीज की हम बात करें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जानते हैं? अरे गोला बारूद फैक्ट्री बोलते हैं भाई, जहाँ पे आर्मी का सब गोला बारूद बनता है, समझ गए? गोला बारूद फैक्ट्री हो गया, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जानते हैं जिसको, ये नाम सुना है? उसके बाद BHEL, ये भी सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये इंडिया की नवरत्न कंपनियों में से हैं, है? इसके अलावा आपका जहाँ पे बिजली बनता है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यहाँ भी फायरमैन की वैकेंसी होती है। इसके अलावा हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी, भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी IOCL, ये सभी में फायर की वैकेंसी होती है। इसके अलावा और मैं ऐसे डालूंगा तो बहुत सारा भर जाएगा। चलिए थोड़ा सा प्राइवेट की ओर बात करते हैं। अब प्राइवेट जो नौकरी हमें बड़ी जल्दी से फटाफट मिलती है, वो प्राइवेट नौकरी की बात करें तो वो कौन सी होती है? होटल, फाइव स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, जितने भी होटल होंगे सभी में फायरमैन है। इसके अलावा आपका शॉपिंग मॉल, कैसा भी मॉल हुआ, पिक्चरें लगते ना उसमें, थिएटर बनता है जिसको मल्टीप्लेक्स बोलते हैं, इसमें होता है। और आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग समझते हैं, अरे फ्लैट नहीं आप बिल्डिंग की तरफ जाते देखते हैं 20-20, 18-18 मंजिल के, ये सभी
हॉस्पिटल, ये तो हम भूल ही गए, हॉस्पिटल, ये सब में फायरमैन की वैकेंसी है। समझ में आया अभी आपको? और भी कुछ बाकी है, अभी बोर्ड कम हो जाएगा उसके लिए मैं और भी आपको कुछ बताऊंगा। तो देखिए इनके लिए क्या चाहिए, नौकरियां तो हैं बहुत सारी हमेशा रहेंगी, लेकिन इनके लिए क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही जब डिप्लोमा मांगने लगे हैं तो प्राइवेट वाले तो मांगेंगे ना, तो प्राइवेट नौकरियां फायर की क्यों है भाई? जब सरकारी फायर ब्रिगेड है, आग लगती है तो कॉल करते ही आ जाते हैं, तो फिर प्राइवेट नौकरियां फायर में क्यों दी जाती हैं? प्राइवेट नौकरियां फायर में क्यों दी जाती हैं? देखिए ऐसा नहीं है कम होगी, यहां तक तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है ना, किसी न किसी में तो मिल ही जाएगी, लेकिन हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट इंडस्ट्री, अभी तो मैंने फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनियों के नाम ही नहीं लिखे ना यहाँ पे, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री कंपनी जिसमें 100 से ज्यादा वर्कर एक जगह एक साथ में काम करते हैं, एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में या तीन शिफ्ट में अगर वो काम करते हैं, वो फैक्ट्री में मशीनें लगी हुई हैं, फायर का सिस्टम वहाँ पे जरूरी है, क्योंकि फायर की नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेने के लिए फायर का सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब फायर का सिस्टम लगाया है तो उसको चलाने के लिए तो कोई ट्रेंड आदमी चाहिए जिसको चलाना आता हो, अब चलाना कहाँ से आएगा उसको? वो तो कोई डिप्लोमा करेगा तभी चलाना आएगा भाई, घर पे किसको चलाना आता है वो सब सिस्टम? तो प्राइवेट होटल हॉस्पिटल और ये मॉल और ये बिल्डिंग वाले क्यों रखते हैं अपने फायरमैन फायर ब्रिगेड? क्योंकि जब इनके यहाँ आग लगती है तो वो आग काबू से बाहर जाने के बाद लोगों को पता चलता है, उसके बाद कॉल की जाती है, कॉल करने के बाद यहाँ से फायर ब्रिगेड स्टेशन से गाड़ी रेडी होगी, क्रू रेडी होगी, वहाँ तक पहुँचता है, वो डिस्टेंस कितना है नहीं जानते हैं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बीच में ट्रैफिक कितना होगा, रास्ते कैसे होंगे, वहां पे जाम भी हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, रेड लाइट हो सकती है, तो जब तक वहाँ फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए पहुंचेगा तब तक तो बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। ये तो सिर्फ जाकर उसको काबू करने की कोशिश कर सकते हैं हमारे फायर ब्रिगेड के द्वारा, समझे? अब उसमें कोई जो आग लगी थी उसमें इंसान भी हो सकते हैं भाई, हमारे कुछ लोग वहाँ फंसे हो सकते हैं ना, वो जो सामान चल रहा है, जो प्रॉपर्टी चल रही है, वो क्या करोड़ों की हो सकती है भाई, अरबों की हो सकती है, लाखों की भी हो सकती है, तो जिसकी वो प्रॉपर्टी जलती है या जिन आदमियों को नुकसान होता है, वो जान और माल की हानि को बचाने के लिए, कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए ये प्राइवेट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री, होटल, हॉस्पिटल, ये लोग जो अपनी खुद ही फायर ब्रिगेड रखते हैं छोटी सी, तो छोटी सी फायर ब्रिगेड में क्या होता है, उनके अपने आग बुझाने के यंत्र होते हैं और फायर की फिक्स इंस्टॉलेशन जैसे हमारे ये लगे हुए हैं, फिक्स मतलब वो दीवार में लगे होते हैं, उनको बस चलाना होता है, और ऐसे एक्सटिंगुइशर और कई तरीके की और चीजें होती हैं आग बुझाने के जो अपने खुद के साधन होते हैं, और उनको चलाने के लिए ट्रेंड पर्सन जिसको हम फायरमैन कहते हैं, क्या कहते हैं? फायरमैन। तो पता चला ये प्राइवेट नौकरियां जो होती हैं, अब वो क्या करेंगे, जब अपनी जगह पे अपनी साइट पे कहीं भी आग लगेगी तो सबसे पहले उस जगह के फायरमैन को बताया जाएगा, किसी बिल्डिंग में लगी हुई है वो बिल्डिंग का बीच मंजिल कहीं पे भी लगी हो, या तो वहां का अलार्म बजा देंगे, अलार्म बजेगा सीधा जहां फायरमैन बैठता है कंट्रोल रूम में, वॉच रूम के अंदर, वो तुरंत पहुंचेगा वहीं पे सीधा, उसके पास अपने साधन है, उसको कंट्रोल कर लेगा, बुझा लेगा, फायर ब्रिगेड लेके आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे भैया? तो बड़े नुकसान से बचाने के लिए, खुद को, अपनी प्रॉपर्टी को, जान और माल की हानि कम हो, इसी के लिए हमारे जो है प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर खुद की फायर ब्रिगेड छोटी सी एक टुकड़ी बना के रखी जाती है, दिन के लिए अलग फायरमैन, रात के लिए अलग फायरमैन, वो दो तीन शिफ्ट जितनी होती है उसमें अपने क्वांटिटी के अनुसार, बहुत बड़ा मोड़ है तो वहाँ पे दिन में ही कम से कम 6-7, 7-10 जो फायरमैन रखे जाएंगे, रात में अलग रखे जाएंगे, छोटी जगह है तो वहाँ पे दिन में 2-4 हो गए, रात को 2-4 हो गए, ऐसे ही आपके जो है फायरमैन का। और फायरमैन की ड्यूटी आप समझ रहे हैं कि क्या है, फायरमैन की ड्यूटी आग बुझाना नहीं है, ये मत समझो कि फायरमैन का मतलब आग बुझाना होता है, फायरमैन का मतलब, फायरमैन की ड्यूटी, उसकी जिम्मेदारियां ये नहीं है कि आग लगी और तू बुझाने जाएगा, उसका काम है आग लगने ही नहीं देना, आग लगने के बाद बुझाना तो परेशानी है ना, वो तो लास्ट ऑप्शन है, लग गया तो बुझानी पड़ेगी,
सबसे पहला ऑप्शन क्या बनता है एक सफल या कुशल फायरमैन के लिए, कि ऐसी संभावित क्षेत्र, ऐसी संभावित फील्ड, ऐसी संभावित जगह जहां पे आग लगने की पूरी संभावना रहती है उन पे हमेशा फोकस रखना है। जनरेटर रखा होता है जहां पे, वहां हमेशा फायर की सिलेंडर एक्टिव रखते होंगे, और जो जनरेटर के ऑपरेटर होते हैं जिनकी वहां पे ड्यूटी है उनको चलाना सिखाना है, है? और उनको बोलना है कि इनको जो साफ सफाई करोगे, तेल वेल डालोगे, वो जो तेल साफ करोगे उस कपड़े को यहाँ वहां मत फेंकना, क्योंकि जो तेल का भरा हुआ है ना उधर तो बैठे बैठे कोई भी कर सकता है ना काम, आग लग जाएगा वहां पे। ये कुछ सावधानियां, ये सावधानी बरती जाए और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाए तो आग लगेगी ही नहीं भाई, तो हमारी बुझाने की चिंता खत्म होगी ना। हम अपनी ड्यूटी 8 घंटे की से 12 की बिल्कुल बेचित हो गए, अपना आराम से कर सकते हैं, हमें किसी तरह का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आग लगी तो उसके जिम्मेदार भी हम लोग हैं, क्योंकि वहां पर फायरमैन का टैग हमारी खाती में लगाया जाता, फायरमैन की ड्रेस पहन के हमें वहां खड़ा किया गया, महीने की तनख्वाह फायर की हमें मिलती है, तो जब वो आग लगेगी तो वो गले किसको मिलेंगे, वो भी हमें ही मिलेंगे। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सावधान रहना है। कोई फॉल्टी वायर दिखाई देती है, कोई बिजली की तार ऐसी दिखाई देती है जिनमें पहले से जो एक्ट थे उस पर टेप लगाया गया था, गर्मी के टाइम में खास कर ये चीज जब पीछे लोड बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम पे लाइट कम होती है और लोड बहुत ज्यादा होते हैं, चारों तरफ एयर कंडीशन और पंखे और कूलर बहुत कुछ चलता है, तो जब लोड ज्यादा होता है तो वो जो है ओवरहीट हो जाता है, ओवरहीट होने से जो वायर में जहां पे कट होगा वहीं पे गर्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां जोड़ है, जहाँ जोड़ होता है वहीं पे ज्यादा गर्म होता है, वो वहां पे उन्होंने टेप लगाई हुई है वो भी रबड़ प्लास्टिक की, अब वो धीरे धीरे गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाएगी, वो पिघल के उसी के अंदर कोई चिंगारी एक निकलेगी और सीधा नीचे आगे चलेगी, अब वो चिंगारी नीचे फर्श पे आगे खत्म हो जाए बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी तो हो सकता है कि नीचे कुछ फाइलें पड़ी हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फोल्टी वायर किसी दुकान, किसी शोरूम, किसी गोदाम के अंदर से गया हो, जूते कपड़े की दुकान हो वहां पे, है नीचे मैट बिछाए गए हों, कालीन दरी बिछाई गई हो, उससे गिरा तो आग लगेगी ना। यही चीजों से सावधानी रखनी होती है, यही फायरमैन की ड्यूटी है कि अपनी जगह पे, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जहां मेरी ड्यूटी है वहां पे किसी भी तरीके की आग लगने की संभावना है तो सबसे पहले उस पर फोकस किया जाए, सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाए, हर जगह नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए जाए, फिर भी कोई स्मोकिंग करता है तो उसको रोका जाए, सारी पोल्ट्री वायर चेंज कराई जाए, हर इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे एक MCB, ERCB, अर्थ लीकेज ब्रेकिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, सर्किट जिसको बोलते हैं, वो ERCB वो MCB लगाए जाए हर जगह, क्यों, कहीं पे भी शॉर्ट होगा, सर्किट होगा या कुछ भी होगा तो वहां से ट्रिप हो जाएगा, ट्रिप होगा सारी लाइट बंद हो जाएगी, वो हर जगह लगाए जाए। ये कुछ सावधानियां हैं, अगर ये हम बरत के चलते हैं तो फायरमैन की ड्यूटी बहुत ही आसान हो जाती है और वही एक सक्सेसफुल फायरमैन, ये फायरमैन की आपको, क्योंकि अभी आप फायर का डिप्लोमा करने आए हैं, अगर यही नहीं पता कि मैं डिप्लोमा किस चीज का कर रहा हूँ, फायर तो तुमने बोल दिया, फायर का क्या मतलब, आग, आग का कौन सा डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा आग का नहीं होता है, वो जो आग का एक सर्कल है, वो जो आग का एक एरिया है, वो जो आग का क्राइटेरिया है, हमने उसके बारे में सीखना है भाई, आग से नुकसान होना है, कितना होता है, कैसे होता है, वो हमने सीखना है, उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उससे कैसे लोगों को बचा सकते हैं, वो सीखना है, ये डिप्लोमा होता है। अब समझ गए आप, क्लियर है आपको फायर का डिप्लोमा क्या है, और नौकरियों के लिए मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं है, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या नौकरियां मिलेंगी, मैंने सिंपल सी चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें बाकी है यहाँ पर, ऐसे नाम पूछता जाऊंगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो पूरी कला पीछे में निकल जाएगी, ठीक है। और ये नंबर जो है 3 नंबर होते हैं, ध्यान है, पुलिस का कितना है 100, फायर का कितना है 101, एम्बुलेंस का क्या है 102। अगर किसी नॉर्मल पर्सन से रोड पे चलते ये तीनों पूछ लिए जाए तो आज भी 60-70% लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 101 कौन सा है, 102 कौन सा है, खाली पुलिस का तो याद होता है, इसके अलावा कोई याद नहीं, लेकिन सभी याद होंगे, ठीक है। अब सबसे पहली क्लास है, फर्स्ट डे है, इसलिए ज्यादा कुछ बर्डन की चीज आपको नहीं देंगे हम। फायर इंजीनियरिंग में एक और चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ट इच में आप लोगों को कहीं लग रहा हो माइंड में कि यार पोस्ट क्या मिलेगी,
कई लोग मेरे पास आते हैं पूछते हैं सर फायर अफसर का कोई डिप्लोमा करवा लो सीधा फायर अफसर का डिप्लोमा का क्या मतलब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा जब सीधा फायर इंजीनियर लग सकता हूँ उसके कुछ अलग अलग जो है क्राइटेरिया है देखो अगर हम सिर्फ दसवीं या बारहवीं पास सिर्फ दसवीं या बारहवीं पास हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फायर का बेसिक डिप्लोमा कर सकते हैं कौन सा डिप्लोमा कर सकते हैं बेसिक डिप्लोमा कर सकते हैं फायर का जो फायर इंजीनियरिंग के नाम से होता है फायर फाइटिंग के नाम से होता है ज्यादा नाम भी नहीं होते हैं डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन फायर फाइटिंग या डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ज्यादा कुछ नहीं है दो तीन लाइन के ही डिप्लोमे होते हैं उनको सही कितने बना लो और अगर हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो हम जो है वो SFO हम जिसको बोलते हैं स्टेशन फायर ऑफिसर सब फायर ऑफिसर का जो है वो डिप्लोमा कर सकते हैं लेकिन सीधा सब स्टेशन ऑफिसर का स्टेशन फायर ऑफिसर का डिप्लोमा करने का तो मतलब नहीं बनता है ना क्योंकि अभी हम जीरो हैं फायर का तो एफ भी नहीं जानते हैं सीधा अक्षर बनने चले जाए कर सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कर नहीं सकते हैं लेकिन वो डिप्लोमा करके भी तो आपको एज ए फ्रेशर नौकरी करनी पड़ेगी वही 10-12 हज़ार की जो एक बेसिक डिप्लोमा करके हम कर सकते हैं उससे क्या होगा वो ऑफिसर का जो आप सब ऑफिसर का डिप्लोमा करें उसकी वैल्यू डाउन आ जाएगी हर एक साल का बेसिक डिप्लोमा करके भी वही सैलरी पे जो लड़का गया है और आप SFO का डिप्लोमा करके भी सेम सैलरी पे जा रहे हैं एक हज़ार दो हज़ार का फर्क हो सकता है ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि आप शुरुआत में वहाँ पे जाके खड़े होंगे और पूछेंगे एक्सपीरियंस कहीं कुछ नो सर आई एम फ्रेशर तो फ्रेशर तो फ्रेशर है ना भाई वो चाहे अफसर का करके आया हो चाहे बेसिक डिप्लोमा करके आया हो फ्रेशर तो फ्रेशर ही होता है एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है आप इंजीनियर बन सकते हैं कि नहीं आप अफसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या क्या है ये तो बाद में आपको समझ आएगा तो दसवीं बारहवीं पास बेसिक डिप्लोमा कर सकते हैं ग्रेजुएशन है तो आप सब ऑफिसर का भी डिप्लोमा कर सकते हैं समझ में आया लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया क्या है आप पहले बेसिक डिप्लोमा करो आप ग्रेजुएशन भी किया है तब भी मैं आपको बता रहा हूँ और बेसिक डिप्लोमा फायर और सेफ्टी दोनों का करो अकेला फायर का मत करो फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का करो उसमें फायर के भी चैप्टर होंगे सेफ्टी के भी होंगे दोनों की आप पढ़ाई पढ़ेंगे और आपको फायदा क्या मिलेगा कि जब एक साल के दौरान जो दोनों की क्लासेस चलेंगी वो क्लास चलते चलते हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मेरे को फायर में ज़्यादा इंटरेस्ट है या सेफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट है फायर में का ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू भी फायर में देने जाओगे नौकरी भी फायर में करोगे अब नौकरी अगर फायर में करेंगे तो फिर एक साल डेढ़ साल दो साल के बाद हमें फायर में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा और वहाँ नौकरी करते करते मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इस फील्ड में डिप्लोमा करना पड़ेगा मैं बेसिक तो कर लिया जिसके बेस पे नौकरी मिल गई अब एक्सपीरियंस भी हो गया है अब क्या चाहिए प्रमोशन चाहिए क्या चाहिए प्रमोशन चाहिए सैलरी भी बढ़वानी है और अपना पद अपना ओहदा अपनी डेजिग्नेशन भी बढ़वानी है तो उसके बाद अब फायर में कई डिप्लोमे होते हैं और कई क्या फिर वही क्लियर आ जाते हैं कि SFO का उस टाइम आप कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं आप किसी और गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन कॉलेज से कर सकते हैं SFO सब फायर ऑफिसर नहीं है सब फायर ऑफिसर होता है तो वो करने के बाद आपको जो है प्रमोशन मिल जाएगा आगे सैलरी बढ़ जाएगी फिर एक्सपीरियंस होता जाएगा तो अपने आप समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है आज भी आपको मैं 20 साल आगे तक का नहीं बताना है तो क्लियर हो गया आपको डिप्लोमा डायरेक्ट बढ़ा करके हम कैसे जा सकते हैं जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको पुलिस में भर्ती करते हैं तो सिपाही से हवलदार नहीं होंगे DGP कौन बनता है सीधा जाकर DSP कौन बनता है प्रमोट होके जाते होंगे ना तो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं आपको पहले इसकी बेसिक नॉलेज देना जरूरी है उसके बाद कोई भी कहीं पर भी छोटी मोटी नौकरी मिले एक्सपीरियंस जरूरी है आप अच्छी जगह किसी बड़े इंडस्ट्री में ये जो मैंने यहाँ पे लाइनें लिखी हैं इनमें कहीं भी जाएंगे ना आपको नहीं लेगा कोई वो किसी प्रेशर को नहीं लेंगे क्योंकि भाई वो नामी गिरामी कंपनियाँ हैं वो बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे आग लगी तो करोड़ों में नहीं वो पता नहीं कितनों में जाके नुकसान होगा तो वो रिस्क नहीं लेते हैं उनको एक्सपीरियंस वाले लड़के से एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा प्राइवेट छोटी इंडस्ट्री से छोटी कंपनी और हमारे लड़के क्या करते हैं छोटी कंपनी में गए 10,000 सैलरी दी और 10,000 में नहीं दूंगा मेरे को नहीं बनी 10,000 क्या बचेगा भाई मेरे को ये सोच के नहीं करते और यही कारण है कि फायर का सेफ्टी का डिप्लोमा करने के कई साल बाद भी घर में बैठे हुए
वरना ये डिप्लोमा करने के बाद बेरोजगार रह गए ये तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, क्योंकि इसमें सिर्फ नौकरी नहीं बिजनेस भी होता है। अभी ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है ये सब ये सिलेंडर वगैरह सब ये बनते भी तो होंगे कहीं पे, बनने के बाद इनको कहीं बेचा भी जाता होगा, जहाँ बेचा जाता है वहाँ इनको लगाने वाले भी होंगे। अब जब ये साल में खराब हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं इनको चला दिया जाता है तो भरने वाले भी होंगे कोई है, ये सब काम कौन करता है? आप नहीं कर सकते ऐसे ट्रेनिंग ले जाने के बाद ये बिजनेस नहीं कर सकते आप। अभी ये जो बिल्डिंग है मैंने आपको बताया ना होटल मॉल हॉस्पिटल ये सब क्या करते हैं AMC बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सालाना देख रेख का ठेका यही मतलब हुआ ना हिंदी में, वो सीधा AMC दे देते हैं भाई मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा एक साल को, फायर का पूरा सिस्टम तेरे को देखना पड़ेगा, फायरमैन लगाएगा कितनी सैलरी के लगाएगा तू देख, ये फुआरे वुआरे कितने चेंज होंगे बदलेगा स्कड्यूल बदलेगा तुझे देखना पड़ेगा, मेरा कोई भी सामान खराब होगा तुझे देखना पड़ेगा, ये मैं इतना जो है पैसा तेरे को दे सकता हूँ। तो उसमें हमें क्या करना है, कहीं नौकरी करेंगे तब भी तो वही चीज देखनी है, तो बिजनेस है कि नहीं है, बहुत ज्यादा लाखों का खर्चा भी नहीं है भाई, बिना पैसे में भी ये चालू कर देते हैं लोग 10-10-20-30 हज़ार रुपये लगा के, तो नौकरी भी है बिजनेस भी है। जो कहते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद नौकरी नहीं मिली पहली चीज तो वो सही जगह से पढ़ाई नहीं करी, अच्छे टीचर से आप जो भी जो है इसमें वीडियो में ऑनलाइन भी देखेंगे तो मैं उन सभी को ये चीज़ बोल दूंगा भाई अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप नौकरी नहीं लगे हो ना तो पहली चीज तो डिप्लोमा गलत आदमी से कर लिया आपने, अब तो मार्गदर्शन दिया ही नहीं गया आपको जो है अच्छी गाइड दी नहीं गई गाइडेंस मिला ही नहीं कि कहाँ करना है क्या करना है कैसे जाना है, बस डिप्लोमा हो गया हाथ में पकड़ा गया पेपर हो गया डिप्लोमा लेके घर जाए। और अगर आपने अच्छी जगह से किया है फिर भी नौकरी नहीं मिली तो सीधी बात एक है आप अपने घर के नज़दीक नौकरी करते हो, पर दूर भी जाना जी सर जी मेरे को घर के आसपास नौकरी दिलवा दो, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर हम दिल्ली NCR के अंदर बैठे हैं तो हमारे सोनीपत के पानीपत रोहतक के लड़के क्या करेंगे, सब दिल्ली तक दिल्ली से आगे भी परीक्षा दे। अगर ये समय में मेरा डिप्लोमा 10 पास आउट हुआ मुझे नौकरी महाराष्ट्र में मिल रही है 15,000 रुपये की, नहीं जाना मेरे बोले सर वहाँ जाके क्या करेंगे वहाँ तो 5,000 रुपये का खर्चा ही हो जाएगा मेरा मैं नहीं जाऊँगा, ओके ठीक है नौ जाओ खाली बैठे रहो, यहाँ अगले 6 महीने तक नौकरी नहीं मिली 6 महीने खरीद तो बैठते ही है ना कुछ मिल रहा है क्या, बिल्कुल खाली एक पैसा भी नहीं है जेब में, लेकिन सिर्फ ये सोच के नहीं गए कि मेरे को दूर जाना पड़ेगा। देख भाई एक्सपीरियंस तो छोटी कंपनी से ही मिलेगा और छोटी कंपनी की औकात नहीं है ज़्यादा सैलरी देने की, तो सिंपल सी चीज़ है भाई एक्सपीरियंस चाहिए तो छोटी कंपनी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी छोटी इंडस्ट्री से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उससे दो फायदे हो जाएंगे, पहला हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो सबसे बड़ा, दूसरा हम खरीद नहीं बैठेंगे मेरे को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब पहली बार मैं गया कंपनी के पास तो मैं उस पर क्या लिख के लेके गया अपने सीवी पे आई एम जस्ट फ्रेशर डिप्लोमा 1 साल का किया है सर आई एम जस्ट फ्रेशर, फिर भी उसने नौकरी दे दी हमें, लेकिन उसके पास से अगली जगह कहीं जाएंगे तो हम क्या लिख के लेके जाएंगे सीवी पे आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फलाना फलाना कंपनी एज ए फायरमैन एज ए फायर सुपरवाइजर लिखेंगे कि उसका वैल्यू बढ़ेगा ना, और अगर वो छोटी कंपनी में काम ही नहीं किया होता तो ये लाइन कहाँ से आती, सिर्फ इसलिए लोग नौकरी नहीं करते हैं खाली बैठे हैं, जो भी बोलते हैं कि हमें नौकरी मिली डिप्लोमा बेकार है किसी काम में लूट रहे हैं खाली बैठ के, कोई किसी को नहीं लूटता भाई, अगर कोई पढ़ाने वाला बैठा है तो पढ़ने वाले भी होने चाहिए और अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाने बताइए क्या हमने आपको आज क्लास नहीं दी, अगर पढ़ने वाले रेडी होते हैं तो चाहे एक कैंडिडेट हो पढ़ाएंगे और जो पढ़ लेगा उसको और ये जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूट सारे रहते हैं हमारे मेरे साथी कई हैं किए हुए, देखो डिप्लोमा के दौरान हमें उनके माइंड में कभी ये नहीं डालना, मेरी भी कोशिश ये रहती है मैंने आपको गारंटी नहीं दी ना नौकरी की, अभी भी बोल रहा हूँ गारंटी नहीं है नौकरी की, मैं गारंटी क्यों दूँ भाई मैं आपको नौकरी के लिए रेडी कर रहा हूँ ना, इस तरीके से रेडी करूंगा इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे आपको कि जहां खड़े हो जाओगे जिस भी कंपनी में खड़े होगे इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, नहीं गारंटी चाहिए हमें तो नौकरी की गारंटी क्या होती है भाई, पढ़ना पड़ेगा
ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं। उसके बाद इंट्रू कौन सी बड़ी चीज है, इंट्रू लेने वाला इंसान ही है ना, वो भी यही चीजें पढ़ के गया है कहीं ना कहीं से भाई, वही चीज हमसे पूछेगा, वो तो हम यहां से सीख के जाएंगे, नौकरी पक्की। लेकिन नौकरी हजारों की बजाय लाखों में नहीं होगा। इसका आपकी नौकरी का जो क्राइटेरिया होता है, आपकी नौकरी का क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। देखो मिनिमम 10,000 से भी शुरू होता है, सिंपल कोई छूट नहीं होती। 10,000 से आपकी नौकरी शुरू हो जाती है प्रेशर के लिए। वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी बोलचाल का तरीका कितना अच्छा है, आप क्या कपड़े कैसे पहनते हो, और आपको ट्रेड नॉलेज, ट्रेड मतलब आपकी ट्रेड फायर है ना, तो आपको फायर सेफ्टी के कितना नॉलेज है, ये सब डिपेंड करते हैं। 10,000 से लेके और ज़्यादा नहीं है, आप मैक्सिमम 18 तक, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में फ्रेशर को कभी मिला भी नहीं होगा, मिला होगा तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने बड़ी मेहरबानी की उनसे। 10 से लेके 18 के बीच में सैलरी मिलती है किसी भी एक फ्रेशर फायर में, चाहे सेफ्टी में हो चाहे फायर में, ये मिलती है। अब ये 8,000 का फर्क क्या है वो तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब एक आप मेरी तरह आप जाइए शर्ट पैंट पहन के बिल्कुल डिसेंट हो गए, अच्छा लगता है, हाँ प्रोफेशनल है, बढ़िया लगेगा हमारी कंपनी में काम करते हुए, अच्छा है, तो उनके मन में वैसे ही 2,000 रुपये फालतू सैलरी आएगी, तो लड़का ठीक होगा, वरना पता नहीं कौन कैसा आएगा। देखो आप ऐसे साथी के मतलब बोल गए हो रही है सर डिसेंट क्यों हो, हाँ जी ऐसे करके जाके खड़े हो जाएंगे तो क्या सैलरी देगा, शायद रूम में बात ना कर, फिर भी मजबूरी है उनको कहीं से नहीं मिल रहा, आपको लेना पड़ गया तो 10 की ज़्यादा से ज़्यादा 12 दे देंगे, इससे ज़्यादा देंगे नहीं आपको। फिर डिपेंड करता है, ये इस पर निर्भर है कि आपको फायर की नॉलेज कितनी है, क्योंकि उनको फायरमैन चाहिए, खाली बाउजी भी नहीं चाहिए जो ऐसे पेंट कोट में आ जाएगा, उनको काम करने वाला भी चाहिए। तो फिर फायर के जो इंटरव्यू होंगे, फायर के बारे में जो सवाल जवाब होंगे, उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर उस पर भी आप खरे उतरे तो फिर वो जो है 12 दे सकते हैं सैलरी आपको, 14 दे सकते हैं, 16 दे सकते हैं, 13 दे सकते हैं, 11.5 दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। होटल वाला क्या देगा, मॉल वाला क्या देगा, हॉस्पिटल वाले क्या देंगे आपको, रिफाइनरी वाले क्या देंगे, अब वो तो वो जाने, हम वो चीज़ तो नहीं कह सकते हैं आपको। लेकिन हमने पता है 10 से लेकर 18 के बीच में हमारे कैंडिडेट की नौकरी पे जाते हैं, ऑलरेडी हैं भी अभी, इससे ज़्यादा किसी फ्रेशर को मिलेगा नहीं, और इससे कम की तुम्हारी वैल्यू भी नहीं है, इतनी भी की वैल्यू नहीं है फास्ट स्टूडेंट के 10,000 से भी कम सैलरी में नौकरी करें, ठीक है। अब सैलरी की बदल, नौकरी नहीं करने के कारण जो मैंने आपको बताया उसको घर से दूर नहीं जाएगी। दूसरा, जिस सैलरी तनख्वाह कमी में क्या खाऊंगा क्या बताऊंगा। अब अगर नौकरी हमने सिर्फ 10,000 की, तो मान के चलो भाई 10,000 तनख्वाह, और 10,000 में भी हमें बुला लिया गुजरात, दूर तो बहुत है, और वहाँ पे बोलते हैं सिर्फ रहने का देंगे भाई, खाना तुम्हें खुद खाना पड़ेगा, 10,000 में कितना खाना खाएंगे, 3,000 का खा लेंगे, 3,000 का तो खा ही लेंगे। अब 3,000 का खाना खा लिया, 2,000 रुपये और ऊपर के पकड़ लो भाई, फोन वोन गया हो गए, जूस वूस पी लिया, घूम लिए, फिर 5,000 रुपये खा लिए। एक आदमी का 5,000 बहुत होता है ना महीने का, अब तो मिल भी नहीं रहा है यार 5,000 तुम्हें, क्योंकि रोटी घर पे खाते हो। लेकिन 5,000 अगर खर्चा कर दिया फिर भी 5 बचा, और ये नौकरी नहीं मना कर दिया मैंने, अरे 10 की मैं नहीं करता जी, मतलब अपने घर पे ही, अगले 6 महीने साल तक सर किसी अकड़ में बैठे रहे कि इतने की करूँगा नहीं, ज़्यादा मिलेगी तो जाऊँगा, तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने घर पे खाली पड़े रहे, एक पैसा जेब में नहीं है, घर वालों की गाली खानी है, और जूतों के लिए पापा को 10 बार बोलना पड़ेगा, पापा दे देना पैसे, जूते लेने हैं, अगर फटे गए गलती पापा बोलेगा कमा ले भाई, डिप्लोमा कर रहा छाना हो गया, कुछ काम कर ले, चार बार सुनाएगा तब थोड़े से पैसे देगा। यही उसका दूसरा साथी नौकरी पे चला गया एक साल तक, बताओ एक साल तक करने की आवश्यकता नहीं है, 10,000 रुपये 6 महीने में गारंटी से नौकरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, 6 महीने बाद 100% बोल रहा हूँ सैलरी बढ़ेगी, फिर भी हम नहीं मानते हैं, चलो नहीं बढ़ी, सिर्फ 10 में काम किया, बढ़िया खाना पीना किया, गांव से बाहर है, गांव में इज्जत बढ़ गई, और 2-2 महीने में छुट्टी आता है, लगा भाई बाहर नौकरी करता है, जब भी गाँव में छुट्टी जाएंगे बड़े खुशी से जब बात करेंगे मिलेंगे, अरे भाई कितने दिन की छुट्टी आया, कहाँ ड्यूटी चल रही है भाई, 2,000 अरे बहुत बढ़िया यार, सब जी लग रहा है, ठीक है अच्छे से बात कर रहे हैं, अब तो गाँव में कोई कुछ नहीं मानता, गली से आए या जाए कोई पूछता ही नहीं है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। 5,000 रुपये भी इतने बचाए ना, तो फिर भी 50,000-60,000 रुपये साल में इसकी जेब में आ गए, और सारे कपड़े जूते खाना जाना पूरे साल मस्ती से ऐसे किया है ना, अब 50,000-60,000 रुपये कमा के नहीं पाओ मेरे को घर बैठे बैठे, आप
नहीं मिलेंगे ना. देखो जेब में पैसे आए, बाहर रहे एक साल, जो हरियाणा से, यूपी से, बिहार से, अपनी जगह से, जो अपने स्टेट से बाहर निकल के रहेगा वो दुनियादारी सीख जाएगा. आप लोग दुनिया में रहना सीख जाओगे, बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपको कैसे बात करनी है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ऑफिसर से कैसे बात करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा. लेकिन घर में अपनी जगह में गांव में रहते रहते कुछ समझ नहीं आएगा, वही लोकल के लोकल ही रहेंगे. हमारा सब कुछ बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, जेब में पैसे आएंगे, पूरा साल आराम से खाएंगे. सबसे बड़ी बात, एक साल का एक्सपीरियंस मिलेगा. अब एक साल के बाद यही कंपनी आपको 10 से 14 15 तो 12 तो करेगी ही करेगी. अगर इसको छोड़ दोगे तो 16,000-15,000 गारंटेड दूसरी कंपनी देगी आपको. अब अगर 15,000 दूसरी कंपनी ने दिए, हमारा खर्चा तो 5,000 ही रहता था ना भाई, हमने तो 5,000 ही खर्चा करना था. बढ़ा भी देंगे, अब हमारी कमाई बढ़ गई, हम 7,000 खर्चा करने लग जाएंगे, 8,000 बच रहे ना, तब भी साल के 1,00,000 रुपये बच गए भाई. यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा. अब जब 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप सोचिए फिर आपकी वैल्यू क्या है. फिर आप गुजरात में, महाराष्ट्र में और कलकत्ता में, बेंगलोर में नौकरी मत करो. 2 साल अगर बाहर नौकरी कर ली, उसके बाद वापस आ जाओ, जैसे कि कुंडली से चलिए, राई से चलिए, सोनीपत के अंदर, दिल्ली, गुड़गांव, कहीं पर भी अप्लाई करो, 25,000-30,000 की सैलरी यही मिलेगी. क्योंकि आपके रिज्यूम पे लिखा हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र में या कलकत्ता, बेंगलोर में नौकरी करके आया हुआ. उन लोगों को लगता है बाहर नौकरी करके आया भाई, वो बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम करवाया है, हमारे यहाँ भी अच्छा काम करेगा. क्योंकि यहाँ घर की घर में किसी को वैल्यू नहीं मिलती, बाहर के लोग को बड़ी जल्दी वैल्यू मिलती है. बिहार यूपी से यहाँ आते हैं उनको वैल्यू मिल जाती है, और यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो वैल्यू मिल जाएगी. बिहारियों को वहाँ वैल्यू नहीं मिलती है, हरियाणा वाले को हरियाणा में वैल्यू नहीं मिलती है. सच्चे जो है ना, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा. ये आपका करियर मैंने आपको बता दिया, पूरे साथी को याद रखना. पहली बार पहली क्लास में इसीलिए मैंने कर दिया. मेरे से जॉब के लिए, नौकरी के लिए आपने कुछ नहीं, कोई आ सकता नहीं. अपने दिमाग में ये फंडा बैठा कर रहे, हम देश में करें, विदेश में करें, कहीं पे भी करें, नौकरी तो अपने दम पे ही करनी पड़ेगी. आपके गुरुजी इंटरव्यू नहीं देने जाएंगे, मैं नहीं जा सकता आपकी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए, आप ही को जाना पड़ेगा. जैसे कि आपकी क्लियर होंगे, सिर्फ यही चीज़ें पहले से इसलिए बताई हैं क्योंकि सीधा डायरेक्ट पढ़ाई शुरू कर दूंगा, आपके दिमाग में वो जो चीज़ें घूम रही हैं वो पूरे साल घूमती रहेंगी. पहले दिन मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूँ. क्लियर हो गया ना, अब कोई डाउट तो नहीं बचा. अगर एक भी चीज़ में डाउट रहता है, कुछ भी है, तो आप मेरे से बताइए. और अगर कोई किसी तरह का डाउट नहीं है आपको, और जो ऑनलाइन वीडियो चल रही है उसके लिए किसी तरह का डाउट हो, आप भी ऑनलाइन देखेंगे बाद में वीडियो को, अभी देखेंगे. जो अभी देख रहे हैं आप लोगों के लिए है, अगर किसी तरह का डाउट है या इसमें से आपको लगता है सबने कुछ गलत बताया है, तो मुझे जो है आप कमेंट करके, आप लोग भी अगर लगता है, और ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर ये वाली चीज़ समझ नहीं आई है या ये चीज़ गलत हो, वो उसको दोबारा फिर क्लियर करें. क्योंकि अभी फायर के बारे में कुछ बताया नहीं, मैंने आपको सिर्फ फंडामेंटल स्टार्ट किया है, सिर्फ फायर की बेसिक की स्टार्ट की है. ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, इसमें सिर्फ ये बताना रह गया कि आपकी पोस्ट क्या होती है. देखिए सबसे छोटी पोस्ट आपकी होती है फायरमैन, क्या होती है फायरमैन, नंबर एक फायर डिपार्टमेंट में. प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, आपकी सबसे पहले एक होता है सबसे ऊपर, जहाँ शुरू करेंगे नौकरी फायरमैन. फायरमैन के बाद जो है कंपनी में अलग अलग तरह की डेजिग्नेशन बनाए गए हैं, पर तो जनरली चलते हैं वो बता देता हूँ. उसके बाद होता है फायरमैन सुपरवाइजर, क्या होता है अब वो क्या होगा, ये जो फायरमैन नौकरी करते हैं फ्रेशर टीचर, वो इसके अंडर में आ गए, ये उनके ऊपर चढ़ जाएगा. भाई आप यहाँ शुरू करोगे इस दिन यहाँ भी पहुँचोगे, आपने ही पहुँचना ना यहाँ पे भी. फायर सुपरवाइजर के बाद आप ऊपर जाके और थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद फायर ऑफिसर बन जाएंगे. क्या बनेंगे वहाँ, क्या फायर ऑफिसर बन जाएंगे. बीच में पोस्ट जो है असिस्टेंट फायर ऑफिसर की हो सकती है. अगर पहले से फायर ऑफिसर है और इसको प्रमोशन भी देना है तो क्या करेंगे, ये प्रमोशन दे नहीं सकते हैं, यहाँ रख नहीं सकते हैं, क्या करेंगे फिर बीच का रास्ता निकाल देंगे, वो असिस्टेंट फायर ऑफिसर बना देंगे. ठीक है, मतलब ये नहीं होगा तो सारा काम यही संभाल देगा. ये इसको ऑर्डर करेगा, ये इसको ऑर्डर करेगा, और ये इनको ऑर्डर करेगा, ऐसे कैडर करेगा. अब फायर इंजीनियरिंग में तो बोले सर फायर तो इंजीनियर होता है, फायर इंजीनियर भी होता है भाई, लेकिन फायर इंजीनियर होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड वाला पर्सन. टेक्निकल बैकग्राउंड समझते हो,
पॉलिटेक्निक सुना है? इंजीनियरिंग सुना है? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नहीं भाई, फायर में कंप्यूटर इंजीनियर का कोई काम नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, बेसिक डिप्लोमा एक साल का होना हो, बस बेसिक नॉलेज जरूर हो, लेकिन फायर ऑफिसर या फायर फील्ड के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कोई आवश्यकता नहीं। अगर इस डिप्लोमा के पहले आपने पॉलिटेक्निक या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आप फायर इंजीनियर की पोस्ट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? फायर इंजीनियर की पोस्ट पे जाएंगे। और अगर आपने कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं किया है तो आप फायर इंजीनियर तो नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई इंजीनियर तो इंजीनियर होता है। अब फायर इंजीनियरिंग में क्या काम आते हैं? फायर इंजीनियर फायर आग बुझाना सिखाना ये सब चीज़ों करता ही है, लेकिन इसके लिए इंजीनियरिंग के काम थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे जो इंस्टॉलेशन होती है बिल्डिंग के अंदर, जो पाइपलाइन और वो स्प्रिंकलर फुहारे और ये जो हाइड्रेंट वगैरह लगते हैं, ये इंजीनियरिंग का ही काम है ना भाई। वो सिविल इंजीनियर के साथ बैठ के डिजाइन बनाएगा ना, कितने इंच का मोटा पाइप हमारी मेन पाइपलाइन से आएगा, हाइड्रेंट तक कितने का जाएगा, फिर वो बीच में जो मैं जो स्प्रिंकलर की पतली लाइनें निकालनी है वो एक पाइप में 6 इंच की पाइप में से कितनी निकाल सकता हूँ, प्रेशर कितना आएगा, कौन सा पंप लगेगा पंप हाउस के अंदर, वो इंजीनियर का काम है। तो वो फायर इंजीनियरिंग में इंक्लूड होती हैं वो चीज़ें। तो फायर को इंजीनियरिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि फायर में इंजीनियरिंग के चैप्टर होते हैं, फायर में इंजीनियरिंग मिक्स होती है भाई, फायर में मैनेजमेंट नहीं होता। आप डिप्लोमा कहीं भी करें कोई भी करें ध्यान से देखना, आपको फायर इंजीनियरिंग लिखा मिलेगा और सेफ्टी के आगे मैनेजमेंट लिखा मिलेगा, कहीं भी देख लेना आपको। सेफ्टी मैनेजमेंट की स्टडी है और फायर कंप्लीटली इंजीनियरिंग की स्टडी है। फायर के अंदर मैथ भी होता है, थोड़ी साइंस भी होती है और बाकी इंजीनियरिंग तो है ही है भाई। अब इसमें साइंस कैसी होती है वो आपको मैं कल क्लास में बताऊंगा। कल से आपकी फायर साइंस ही शुरू होने वाली है, लेकिन डरना मत, जो 10वीं 12वीं में पढ़ी थी ना वो वाली साइंस नहीं, एकदम सिंपल साइंस है। और ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो, बस आपको पता ही नहीं है। कल जब बताऊंगा तो दिमाग के आपके क्वेश्चन सारे खुलेंगे, कल दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। जब मैं वो क्लास में बताऊंगा, अरे सर ये तो बिल्कुल हमने किया हुआ, बस कभी ध्यान नहीं किया। फायर इंजीनियरिंग या सेफ्टी मैनेजमेंट ये पूरा कोर्स हमारी डेली लाइफ में होने वाले डेली गतिविधियाँ हमारी जो है, जो एक्टिविटी हम रेगुलर करते हैं खुद को बचाने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, वही सब हमें दूसरों के लिए करना है, वही है डिप्लोमा के। बट हम ऐसे ध्यान नहीं देते, क्योंकि पुलिस वाला दिखा तो हेलमेट लगाएंगे वरना नहीं लगाते हैं ना, पानी रोड दिखा तो बाइक तो 100 भगाते हैं, पीछे पापा बैठा हो तो 50 से ज़्यादा नहीं भगाते हैं ना। ये सारी सेफ्टी की जो चीज़ें हैं ना वो हम रेगुलर करते हैं, अपनी खुशी से करते ही नहीं। अब वो सीखना पड़ेगा, करना है। फायर आप आज तक जलाई है, शायद किसी ने ढंग से बुझाई नहीं है, बुझाई जाए तो बस पानी मार गई है, वैसे सफाड़ी बुझाई है, कहीं लगी हुई आपको बुझाएंगे तो समझ में आएगा। अब वो सीखना है हमें। एक वीडियो थी डाली थी मैंने कि जलते हुए आदमी को कैसे बचें, देखी थी आप लोगों ने? देखी नहीं? देखा आपने? अपने ही चैनल पे डाली थी वीडियो, आज तक देखी नहीं, अब देखना। हाँ लिंक सब कुछ मिलेगा आज आपको। जलते हुए आदमी देखे नहीं होंगे सादा, जैसे कि आपने वीडियो तो देखी होगी, किसी ने बनाया होगा, गाँव में सुना भी होगा वो आग में जल गया, उसने आत्महत्या। तो जलते हुए आदमी को बचाना मुश्किल काम लगता है, डर भी लगता है यार उसके पास में कैसे जाए बंदा जल रहा है, उसकी जैसे चिल्लाता है, जैसे चिल्लाता है ना उससे डर के अपने लोग से खड़े हो जाते हैं, नजदीक कौन जाएगा, लेकिन उसको बचाना पड़ेगा। और एक फायर फाइटर में लास्ट अभी क्लास ओवर कर रहे हैं फायर की, हम इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। फायरमैन बता देता हूँ मैं क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक बिल्डिंग में इंडस्ट्री कोई भी जितने प्लांट में होता है, कोई भी बिल्डिंग आप अपने दिमाग में मान के चलिए कि वो बिल्डिंग है और वहाँ पे आग लग गई, तेज हो गई आग, जितनी पब्लिक होगी किसी क्षेत्र में पिक्चर देख रहे थे वहाँ पे आग लग गई, पूरी की पूरी पब्लिक कहाँ भागेगी? बाहर। कहाँ भागेगी? भागेगी कि नहीं? हर आदमी एक दूसरे में सड़कों पर से कूद के जाने की कोशिश करेगा, अरे बस कैसे भी साला मैं बच जाऊँ, बाकी जो मरेगा। और सच बता रहा हूँ, जब आग लगती है आदमी को या बाढ़ आती है ऐसा कुछ होता है ना, तो बेशक अपना दोस्त या अपना भाई या कोई पापा भी खड़ा उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे, सबसे पहले खुद बाहर भागेंगे। सच बता रहा हूँ, ये उस टाइम पे कोई दिक्कत दिमाग में नहीं आता, सिर्फ अपनी जान दिमाग में आती है, अपनी बचा बाहर निकल, अगर मैं बच गया तो उसको खींच। लेकिन
वो सभी एक खाते दूसरे को जानते भी नहीं हो, जो आग से डर के बाहर भाग रहे हैं, उन सब की जान बचाने के लिए एक इंसान का तगड़ा किरदार होता है जो आग लगने से सब बाहर भाग रहे हैं और वो बाहर से भीड़ को चीरते हुए आग की तरफ भाग रहा है, वही फायरमैन होता है। उसको डर नहीं होता है, उसको ये डर नहीं है आग लगी मुझे मेरा क्या बिगड़ेगी, उसको ये डर नहीं है आग लगी तो मेरे को क्या होगा, उसको ये डर है इस आग में ये जो आदमी वानर है ना इनमें से एक भी नुकसान ना हो जाए, एक को भी आग ना लग जाए, किसी एक को भी दिक्कत नहीं हो जाए, उस आदमी के मन में ये होता है और वो अकेला उस आग की तरफ भागता है जिससे पूरी दुनिया डर के बाहर भाग रही है, उसके अंदर गर्व होता है, वही बनना है आपने। क्या बनना है? फायर फाइटर। क्या बनेंगे? फायर फाइटर। उसके लिए ये सिर्फ पढ़ाई के काम नहीं चलेगा, अपने अंदर दिमाग में और अपने जो है मन में दिल में आपको ये सिखान के बनना पड़ेगा कि मेरे को वही इंसान बनना है। रोज रोज ऐसे वाक्य नहीं आते अपने लाइफ में, डेली किसी की लाइफ में आपके कांड नहीं होते हैं भाई, कितने बड़े हो गए आज तक कितने कांड आए तुम्हारे पास, शायद आगे भी ना है, भगवान करे कभी ना लगे, लेकिन जिन दिन आवश्यकता पड़ी उस दिन वही फायरमैन बनना पड़ेगा। एक हजार लोग खड़े हो चले सकते, मैं अकेला बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है साहब के साथ क्या करना है। आपको अपनी उंगलियों पर निशाना, आप कितनी तगड़ी हो उसको रोकना मुझे आता है, वही सीखा है मैंने अपने कॉलेज के अंदर, समझे अभी आप? ये फायरमैन का माइंड कहता है, आगे है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, हटो मैं देखता हूँ क्या करना है, मैं जो बोलूँगा करो बस, फायर फाइटर का बोलता हूँ। और हमने यही तो सीखना है कि जो आग लगी है उसको सिर्फ आपको देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कौन सी आग है, किस तरीके की आग है, किस चीज में लगी हुई है और ये कहाँ बढ़ सकती है और मैं इसको कहाँ से बुझाना शुरू करूँ, कितने मिनट में बुझा सकता हूँ। ये सब चीजें हम खड़े खड़े एक ही जगह में खड़े खड़े हम बता सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से सीख के जाएंगे, समझ गए? वो सारी चीजें कल से, आज आपका इंट्रो क्लास था, अभी फायर का हो गया सेफ्टी का, इसी अगली क्लास में आपकी सेफ्टी की करूंगा, इंट्रो की रहेगी वो भी सेम, सारी चीजें सेफ्टी के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है? और कल से आपका फायर एंड सेफ्टी चैप्टर क्लास शुरू है।